तरह का लेटर दिया है कि आपका चैनल जो है वो क्लोज हो जाएगा और उड़ा दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। ये लोग कुल्फियाँ ले रहे हैं, इनके काम देखें। और कुल्फियाँ कौन सी? डाली डाली कुल्फी, डाली कुल्फी। आजकल दौर है 10 वाली कुल्फी का, और वो भी चॉकलेट वाली। इधर मुंह तो करो, इधर मुंह तो करो। कितने दिए डाली है? डाली डाली दे बस। हेक हेक। ये मेरा बैग है, तो बेगम साहब बाहर बैठी है, कपड़े धो रही है। तो इस बैग में से ना मैं निकालूंगा वो जो लेटर आया है ना YouTube की तरफ से, पेन आया। समझी ना? ये क्या है? क्या है? इसको नीचे कर लो। क्या है दिखाओ? तो जी बेगम साहिबा रेडी है पेपर काटने के लिए। तो इस साइड पे ना, इस साइड से कैंची से हम इसको कट करेंगे। हाय हाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा तो आबाद रहें, हम हंसते मुस्कुराते और खुशियाँ बांटते रहें। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। तो कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे, तो बेगम साहिबा आज धो रही हैं कपड़े। हाय हाय। मुझे पता था जब मैं काम करूंगी ये कैमरा लेके आ जाएगा। और खास तौर पे जब मैं अपने ध्यान में बैठी होती हूँ ना, तो इसने कैमरा ऑन किया होता है, फिर मुझे काफी परेशानी हो जाती है। मैं फिर इसे डांटती कहती बताया करो, मुझे ये बताते नहीं है। मैं, मेरी ना आदत है, जब मैं मतलब कि मैं सोचता हूँ कि जब आप काम करो ना, फिर मैं तभी हेलो हाय करूँगा आपसे। तो हाँ ना, यकीन करो ना, तब हाय हेलो करने का ना सही टाइम होता है, क्योंकि आप लोग, आप तो बिजी होंगे ना। मैं तसल्ली से हाय हेलो कर लूंगा। हाँ। ये है नलके का ये फायदा होता है कि जब लाइट ना भी हो तो इंसान इजीली अपना काम कर सकते हैं। तो इसका ये फायदा होता है। तो ये आराम की कच्ची है। हाँ। शल्टी है, शल्टी। हाँ। आराम की शल्टी धो रही है इसने जी। और क्या धो रही है? अभी काफी सारे कपड़े हैं, बस थोड़े से रह गए। किसके किसके हैं? हमारे अरहम के। मेरा भी एक सूट खराब है यार, ये भी धो दो प्लीज। हाँ तो पहले नहीं धो के देती थी यार, मुझे खुद धोना पड़ेगा आज जी। नहीं, आराम की काम देखें, इसने बनियान पे पहनी हुई है, और वो भी सुराख वाली। गर्मी होती है ना, तो इस वजह से मैंने कहा चलो यही ठीक है। वैसे भी मट्टी है ना, तो फिर गंदे करता रहता है कपड़े। सुबह पहनाए थे गंदे कर दिए, इस वजह से मैंने कहा यही अभी पहनो, फिर शाम को नहला के फिर कपड़े पहन लेगा। सही सही। ये अभी 10-15 मिनट हो गए हैं, मुझे दे के गया है डाक आने वाला। तो मैंने अपनी शॉप का एड्रेस लिखवाया था, तो अभी ना अभी दे के गया मुझे ये लेटर गूगल की तरफ से। यकीन करें ये बहुत ही खुशी का दिन है बेगम साहिबा के लिए, क्योंकि उसने मेहनत की है और मैंने उसको सपोर्ट की है, तो आज ये मुमकिन हो पाया है। उसको पता नहीं है कि ये आ चुका है, मुझसे पूछा है उसने 3-4 बार कि वो आया कि नहीं आया एड्रेस पिन जो है लेटर उसका। तो आज वो दे के गए हैं मुझे, तो मैं इसको छुपा देता हूं और मैं उसको सरप्राइज जाके दूंगा घर, तो उसकी देखेंगे फीलिंग्स क्या होती हैं। जी ये मेरा बैग है, तो बेगम साहिबा बाहर बैठी है कपड़े धो रही है। तो इस बैग में से ना मैं निकालूंगा वो जो लेटर आया है ना YouTube की तरफ से, पेन आई है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस बैग के अंदर ना मेरा सामान होता है, मतलब पावर बैंक वगैरह, ये है वो पेन। तो इस बैग के अंदर ना मेरा सामान वगैरह होता है, पावर बैंक वगैरह मैं इसके अंदर रखता हूँ, और चार्जर वगैरह मैं इसके अंदर रखता हूँ। तो अभी मैं ना सरप्राइज़ देता हूँ बेगम को, देखता हूँ क्या कहती है वो। समीना ये क्या है? क्या है? इसको नीचे कर लो। क्या है दिखाओ? पहले हाथ साफ कर लो अपने, इधर आ जाओ ना, इधर हाथ साफ कर लो। है इधर इधर आओ, इधर सामने आओ ना, इधर आओ ना सामने। कुछ नजर तो है। कुछ नजर क्या, मतलब क्या लिखा हुआ था? हाँ पता नहीं, इंग्लिश में मैंने पढ़ा नहीं है। क्या है? पहले दिल थाम लो।
तो मुझे कहती थी ना कि तुम झूठ बोलते हो, यूट्यूब पैसे वगैरह नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, कहती थी ना। तुम कहती थी ये बकवास होती है, लोग ऐसे ही पागल होते हैं, इसके पीछे पैसे नहीं देते, ये है वो। लोगों का गिला उनके सामने कर दो, फिर वो हमें जो सपोर्ट करें वो भी ना करें। नहीं नहीं, इनका नहीं मैं कह रहा, जो वो ऐसे कहते थे कि झूठ बोलते हैं, ये बकवास करती हैं, मैं उनका कह रहा हूँ। तो आज उनके उनकी बोलती बंद करने के लिए यूट्यूब ने हमें ये गिफ्ट दिया है। बोलती बंद होगी कि नहीं होगी, ये यूट्यूब की तरफ से आया, यकीन करो। जो बाहर वाली कंट्री है ना, उन्होंने हमें भेजा है यूट्यूब वालों ने। तो तुम्हें पता है ये एजाज की? मैंने सुना तो था, आपने कहा था कि मैंने वो अप्लाई किया हुआ है पिन का। हाँ, तो मैंने कहा था झूठ बोल रहा है। तो दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है ईमेल के जरिए पिन आती है, एक होता है अपने घर पे अगर पिन मंगवाना चाहे तो घर पे भी मंगवा सकते हैं। तो मैंने ना घर पे पिन मंगवाई है, गूगल एडसेंस पिन, तो मैंने घर पे मंगवाई है। तो आज तुम्हारा भी मुंह बंद होगा। दिखाओगी तो? तुम भी कहती थी ना कि झूठ बोलते, बकवास करती है, पैसे वगैरह नहीं देती। तो ये उसी का है, पकड़ो। चलो वाह, इधर दिखाओ ना यूट्यूब की पिन अपनी। ये हमें है जी यूट्यूब की तरफ से गिफ्ट, माशाल्लाह से ये हमें मिला है। और 100 डॉलर के बाद हमें फिर जो है इनकम भी मिलेगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये इसके अंदर ना, इसके अंदर एक पेपर होता है। हाँ। इसके अंदर एक पेपर होता है, उस पेपर के अंदर जो है वो पिन लिखी हुई होती है, 6 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होती है वो। तो जी बेगम साहिबा रेडी है पेपर काटने के लिए। तो इस साइड पे ना, इस साइड से कैंची से हम इसको कट करेंगे, तो इसके अंदर से जो निकलेगा तो वो जो है हम उसके ऊपर एक पिन होती है जिसको हम वहाँ पे एडसेंस के ऊपर वेरीफाई करेंगे। तो एक बात ना आपसे मेन कहनी है, क्योंकि ये जो पिन है ना, पहले मैंने ना जब ये आई है ना, तो मैं ना डर गया था कि यूट्यूब ने शायद हमें कोई वार्निंग दी है या कोई हमें इस तरह का लेटर दिया है कि आपका चैनल जो है वो क्लोज हो जाएगा और उड़ा दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। तो पहले मैं ये समझ रहा था, फिर ना मतलब कि मैंने, मुझे याद आया कि मैंने पिन वेरीफाई की थी, अप्लाई किया था पिन का। तो ये ना तकरीबन 1.5 मंथ के बाद मेरे पास पहुंचा है। 1.5 मंथ पहले मैंने इसका अप्लाई किया था, इस पिन का, तो 1.5 मंथ के बाद यहाँ पे मेरे पास पहुंचा है। तो इस वजह से ना मैं डर गया था कि शायद यूट्यूब ने ना कोई वार्निंग दी है मुझे। तो मुझे ये माइंड में नहीं था कि पिन आई होगी, मैंने सोचा कि पिन शायद नहीं आई, दोबारा मुझे अप्लाई करना पड़ेगा या मुझे ईमेल के ज़रिए पिन मंगवानी पड़ेगी। तो 1.5 मंथ के बाद जब यह मुझे मेरे पास पहुंच जाए ना, फिर मुझे याद आया कि मैंने शायद, हाँ यार मैंने तो पिन अप्लाई की थी, ये तो ये वही पिन है। तो इसको कट करते हैं, तो अंदर का जो पेपर होता है उसके ऊपर अहम मालूमात होती हैं, तो वो हम आपसे शेयर नहीं करेंगे। तो इसको कटेंगे, कट करने के बाद जो है वो, उसके बाद फिर हम आपको मिलते हैं। जो अपना प्रोसेस है वो भी हम कंप्लीट करेंगे, पिन वगैरह वेरीफाई करेंगे। तो ये लो बेगम साहिबा, कटें आप। कहाँ से कटिंग करना है, यहाँ से? हाँ, एक साइड से ना कर लो कटिंग। ऐसे? हाँ, ऐसे ऐसा। ये तो अभी लेटर आया है, क्या तो कितनी खुशी हो रही है, तो जब पेमेंट आएगी तो फिर ज्यादा होगी। हाँ ये तो है, ये तो चिपका हुआ है, निकालो ना, वो प्रेस होता है ना उसके अंदर। काम देखें जी बेगम साहिबा के, निकाल नहीं पा रही। नहीं वो ना चिपका हुआ, मैंने कहा फटी ना जाए कहीं, पहले तो बड़ी मुश्किल से हमने ये हासिल की है। हाँ बहुत मुश्किल से मिला है, 1.5 मंथ हमने वेट किया है तभी जाके ये मिला है। बेगम साहिबा से नहीं निकाला जा रहा, मैं खुद निकालना पड़ेगा मुझे। तो जी मैंने पेपर को निकाल लिया था, उसके बाद जो प्रोसेस था वो मैंने सारा काम जो है वो कर लिया था, पिन का, गूगल पिन मैंने वेरीफाई कर दी थी, एडसेंस वगैरह तो पहले बना हुआ था, मैंने बना लिया था एडसेंस। तो उसके बाद जो है गूगल पिन वेरीफाई करनी होती है, तो वो मैंने कर दिया वेरीफाई। तो आप लोगों के प्यार की, सपोर्ट की, यकीन करें हमें बेहद, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप बहन भाइयों के प्यार का बेहद शुक्रिया कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं और इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो मज़ीद हमें आपके प्यार की और आपके सपोर्ट की, यकीन करें, बेहद ज़रूरत है। तो
हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप हमें भरपूर प्यार देंगे और हमारा जो मकसद है ज़िंदगी का वो पूरा करने में आप लोग हमारा साथ ज़रूर देंगे, आप लोग हमारा हाथ थामेंगे और हमें हमारे मकसद तक ले जाएंगे, ऐसे ना? तो हमें ये सब आप लोगों की वजह से आज हमें ये दिन देखना नसीब हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह हमारी ये वॉचटाइम भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद सब्सक्राइबर भी, आज हमने हमें पिन भी आ गई। हमारा जो मेन मकसद है वो ज़िंदगी का यही है कि हम जो गरीब हैं ना, जो अपनी मदद आप करते हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, खुद मेहनत करते हैं, हमने उनका साथ देना है। हमारा जो मेन मकसद है चैनल का वो यही है कि हम जो लोग नहीं मांगते किसी से, बुज़ुर्ग होते हैं, बेवा औरतें होती हैं, हमारा मकसद यही है कि हम उनकी सपोर्ट करें। हम इंशाल्लाह फुल आपके प्यार के मशकूर हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग शादो आबाद रहें, हमेशा हंसते रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियां दे। इसी दुआ के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।